like a bell cut. आज हम द बनियन ट्री चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने पढ़ा था कि लेखक अपने दादा दादी घर में बरगद के पुराने पेड़ पर बैठता है और वे सांप और नेवले की लड़ाई को देखता है. सेकंड पार्ट में इसी लड़ाई का वर्णन किया जाएगा. फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है बच्चों, उसमें से आप फर्स्ट पार्ट आप रीड कर सकते हो. तो आइए शुरू करते हैं पार्ट टू. द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस. इंक्लूडिंग मीन्स सहित, गार्डनर मीन्स माली, अप्रोचिंग मीन्स आती हुई. द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस. आने वाली गर्मी की ऋतु की गर्म हवाओं ने माली सहित सभी को घर के अंदर पहुंचा दिया. मीन्स गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लू चल रही थी, तो इससे सभी जो हैं घरों में बैठे थे. आई वाज फीलिंग ड्रॉसी माई सेल्फ वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड बफेलोज. ड्रॉसी मीन्स नींदाना. मुझे भी नींद सी आ रही थी और मैं सोच रहा था कि मुझे भी तालाब में जाकर रामू और भैंसों के साथ तैरना चाहिए. When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. Clump means होता है झुंड, cactus means नागफनी. तभी मैंने नागफनी के झुंड में से सरक कर बाहर आते हुए एक बहुत बड़े काले सांप को देखा. Cobra means काला सांप, बड़ा काला सांप. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. Mongoose होता है बच्चों नेवला. उसी समय झाड़ियों में से एक नेवला बाहर आया और सीधा सांप के पास चला गया. इन अ क्लियरिंग बेंथ द बनियान ट्री इन अ ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस. फेस टू फेस मीन्स आमने सामने. बरगद के वृक्ष के नीचे एक साफ जगह पर चमकीली धूप से उनका आमना सामना हो गया. द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूस 3 feet long was a superb fighter, clever and aggressive. Clever means चतुर, fighter means लड़ाकू और aggressive होता है आक्रामक. Mongoose means नेवला. The cobra knew only too well that the grey mongoose 3 feet long was a superb fighter, clever and aggressive. सांप जानता था कि नेवला जो है वो जो स्लेटी रंग का जो नेवला है वो 3 feet लंबा है और बहुत ही अच्छा लड़ाका, चलाक और आक्रामक था. बट द कोबरा टू वाज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर. परंतु जो काला सा बड़ा सांप था वो भी स्किलफुल होता है, निपुण. वो भी निपुण, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभवी. वो भी एक निपुण और अनुभवी लड़ाकू था. ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड द स्कैस बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स विथ फुल ऑफ डेडली पॉइजन. पॉइजन मीन्स जहर, फैंग्स मीन्स जो उसके दांत होते हैं आगे की उन्हें कहा गया है. स्विफ्टली मीन्स तेजी से. ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट. सांप जो है वो बहुत तेजी से हलचल कर सकता था और बिजली की गति से वो प्रहार कर सकता था. एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन. और उसके लंबे तेज दांतों के पीछे जहर से भरी हुई एक थैली थी. इट वाज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस. बैटल होता है युद्ध. चैंपियंस मीन्स योद्धा. और यह योद्धाओं का युद्ध होने जा रहा था. हिशिंग डिफेंस हिज फ्रॉक टंग डार्टिंग इन एंड आउट द कोबरा रेज्ड 3 ऑफ हिज 6 feet ऑफ द ग्राउंड एंड स्प्रेड हिज बॉड स्पेक्टल्ड हुड. हुड होता है जो सांप का फन होता है, उसे कहा गया. हिशिंग होता है फुफकारना. डिफेंस मीन्स चुनौती से. चुनौती के भाव से फुफकारते हुए सांप की जो काटेदार जीभ थी वो अंदर बाहर हो रही थी और उसने अपने 6 feet लंबे शरीर में से 3 feet शरीर को जमीन से ऊपर उठा लिया था और अपने चौड़े तथा आकर्षक फन को उसने फैलाया था. द मंगूस बुश्ड हिज टेल. बस जो नेवला था उसने भी अपनी जो जुब्बेदार जो उसकी पूंछ थी
दैट लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसने अपनी जो पूंछ को फैलाया और उसकी कमर के जो बाल जो हैं वो खड़े हो गए. दो द कबंटेंट्स वर अनअवेयर माई प्रजेंस इन द ट्री, दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ टू अदर स्पेक्टर्स. दो द कंबंडेंट्स वर अनअवेयर, अनअवेयर होता है अनजान. यद्यपि उन योद्धाओं को पेड़ पर मेरी उपस्थिति की जानकारी नहीं थी, लेकिन शीघ्र ही दो अन्य दर्शक, स्पेक्टर्स होते हैं जो देखने वाले, शीघ्र ही दो अन्य देखने वाले मीन्स दर्शक जो हैं वो आगमन के बारे में उन्हें पता लग गया. वन वाज अ मैना द अदर ए जंगल क्रो, एक मैना थी दूसरा जंगली कौवा था. दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम. उन्होंने लड़ाई के लिए इन तैयारियों को देख लिया, प्रिपरेशन मीन्स होता है तैयारियाँ, और हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम. और परिणाम जानने के लिए वो जो है नागफनी के पौधे पर जम गए मीन्स बैठ गए, और यदि वे देखने पर से भी संतुष्ट थे तो दोनों के साथ सब ठीक था. द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव स्विंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. सांप रक्षात्मक रूप से, डिफेंस मीन्स रक्षात्मक, सांप जो रक्षात्मक रूप से खड़ा हो गया और नेवले को गलत चाल चलने के लिए भ्रमित करने हेतु धीरे धीरे हिल रहा था. मीन्स वो जो है नेवले को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था हिल करके, ताकि नेवले को पता ना चले कि वो किस साइड से आक्रमण करेगा. बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लेसी, ओपोनेंट्स होता है विरोधी, परंतु नेवला अपने शत्रु के ग्लेसी अनविंकिंग आईज एंड रिफ्यूज टू मीट देम. परंतु नेवला जो है वो अपने शत्रु की शीशे जैसी तथा पलक झपकने वाली आँखों की शक्ति को जानता था और उनका सामना करने से उसने मना कर दिया. जस्ट बिलो इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबरा हुड एंड अपॉन द अटैक्ट, और इसके बजाय उसने कोबरा के फन के नीचे अपनी नज़रों की एक बिंदु पर टिका लिया और आक्रमण शुरू कर दिया. बच्चों आज का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट थर्ड लेकर आएंगे. तब तक के लिए थैंक यू.